जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके मानदेय से संबंधित हो या आपके स्थायीकरण से संबंधित हो, आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आज हो चुका है 23 सितंबर 2019। सभी राज्य की हम 10 बड़ी खबरें देखने वाले हैं, जिसमें आपको मैं मुख्य खबरें बता देता हूँ। बढ़ सकता है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय है, बहनों को जल्दी बड़ी कुछ मिल सकती है, जिसमें मानदेय है बहनों का 18,000 रुपए तक बढ़ सकता है। साथ ही अन्य जो आपका मानदेय है वो 9,000 रुपए तक बढ़ सकता है। पेंशन जैसी सुविधा आपको सरकार देने वाली है। और भी बड़ी खबरें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी खबर होती है, चाहे किसी भी राज्य की होती है, चाहे छोटी छोटी खबर हो, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप कौन से राज्य में आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी न्यूज पूरा डिटेल से देख लेते हैं। आंगनवाड़ी के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, तो पूरा खबर हम देख लेते हैं। क्या है पूरा खबर आपका? सोनभद्र का न्यूज स्थानीय विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बढ़ेरोड में आपका कार्यकर्ता एक आंगनवाड़ी द्वारा दो दो जगहों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया कि इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारी से भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत चक चपकी और शशि टोला दो जगहों पर कट्टू रजिस्टर में आंगनवाड़ी का नाम दर्ज है, वो अवैध तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनाकर लगाकर नौकरी कर रही हैं। चक चपकी और शीस टोला दोनों जगह जगह राशन कार्ड भी बना हुआ है, जिसकी प्रतीत होता है कि आंगनवाड़ी के सभी कागजात है वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत चक चपकी में 2014 में ग्राम प्रधान जिलाध्यक्ष हुए दूधी आपका तहसील द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र में प्राप्त कर लिया गया। इसके लिखित शिकायत कई बार ग्रामीण द्वारा संबंधित अधिकारी को लेकर की गई है, लेकिन यहाँ कोई भी है किसी ने सुध नहीं ली है। ग्रामीण जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी शैलेश राज प्रजापति से बात की तो उनकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों के किए जाने की बात कही। इसमें अखिलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुदर्शन कुमार, श्याम सुंदर, मनीष कुमार, रोहित साथ राकेश कुमार, सुनील कुमार, अवैध कुमार आदि मौजूद वहाँ शिकायत के लिए रहे। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। 286 आंगनवाड़ी केंद्रों में लटका है ताला, तो पूरा न्यूज देख लेते हैं। क्या पूरा न्यूज? प्रखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र की संख्या 286, सेविका 285 और सहायिका 273 है। केंद्र में नामांकित 6 माह से 3 वर्ष के 9,754, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 5,242 है। इसमें गर्भवती महिलाओं की संख्या 1,963 और धात्र महिलाओं की संख्या 2,230 है। सेविका सहायिकाओं के हड़ताल में जाने से जहां बच्चों की परिजन चिंतित है, वहीं ग्रामीण महिलाओं की कठिनाई बढ़ गई है। अब ग्रामीण महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ेगा। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी आरती कुमारी ने बताया कि प्रखंड के सभी केंद्रों की सेविका और सहायिका बीते 3 सितंबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर गई हैं। केंद्र पूर्णतः बंद है, टीकाकरण समेत कई कार्य है वो प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण आहार से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर मनाया है सुपोषण दिवस, जैसे कि पूरा देख सकते हैं। हम पूरा न्यूज देख लेते हैं। फालन की आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 5 में लगाएगी विभिन्न व्यंजनों की पोषण प्रदर्शनी। स्थानीय राजीव गांधी सेवा केंद्र में पोषण माह के तहत ग्राम के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर महिलाओं को व्यंजन बनाने की विधि समझाकर सुपोषण दिवस मनाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पौष्टिक आहार के बने व्यंजन गर्भवती और धात्री महिलाओं के खिलाफ खिलाए। साथ ही इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बच्चों के वजन बढ़ोतरी चार्ट के अनुसार पोषण देने तथा बच्चों के पोषण के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार, वीडियो कपिल देव आदि लोग हैं वो मौजूद रहे। नेक्स्ट न्यूज है। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई है, ये है बोटुद का न्यूज है। साथ ही महिलाओं को है वो पोषण की जानकारी भी यहां दी गई है। तो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को पानी बचाने के प्रति जागरूक है वो किया है, तो यहाँ देशक देख सकते हैं बहनें लगातार है वो जागरूक कर रही हैं। राजपूत बस्ती और श्याम कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता अंकुश
अंशुल कृष्णा मीनाक्षी ने शुक्रवार को जल बचाओ अभियान के तहत महत प्रभापुरी कन्या वरिष्ठ महाविद्यालय आपका विद्यालय में छात्राओं को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया। राजबस्ती की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंशुल ने कहा कि जल प्रकृति की अनोखी देन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी की व्यर्थ बर्बादी के कारण पेयजल की मात्रा में भारी गिरावट की चिंता का विषय, इसलिए जरूरी है कि पानी की व्यर्थ बर्बादी है वो रोकी जाए, साथ ही पानी का संरक्षण किया जाए, दूसरों को भी पानी के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने छात्रों को आह्वान किया कि वे पानी को व्यर्थ न बहने दें और जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। कार्यकर्ता कृष्णा ने कहा कि अगर व्यर्थ बहने न रोका जाए तो भविष्य में आपको है लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। श्याम कॉलोनी को वर्कर मीनाक्षी ने कहा कि अक्सर हम सुबह ब्रश करते हुए टूटी खुली छोड़ देते हैं, इसके बाद पानी बहता है। रांची नेक्स्ट न्यूज है, रांची में 40 आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे मॉडल, 60 लाख के किए जाएंगे विकसित। रांची का न्यूज है, पूरा न्यूज हम देख लेते हैं। अनगढ़ प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्रों में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद रांची जिला प्रशासन द्वारा एक और पहल की गई है। अब नामकुम प्रखंड के 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए रांची जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच शनिवार को MOU का हस्ताक्षर हुए। रांची उपायुक्त राम महिपापतरे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप प्रबंधक HRCR और BDO पटना प्रमोद रंजन ने समझौता पर हस्ताक्षर है वो किए हैं। CSR के तहत IOCL आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडल आपका है आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 60 लाख रुपए दिए गए हैं। साथ ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन सिंह ने बताया कि इन मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को मानसिक शैक्षणिक और शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य फोकस आपका बच्चों पे के पोषण को लेकर होगा ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार न हो और कुपोषण के शिकार उनका विशेष ध्यान है वो रखा जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र को जॉइनफुल लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, इसमें ग्रामीण बच्चों के शहरी बच्चे शहरी क्षेत्र के ब्राइट स्कूल के तहत खेल खेल में पढ़ सकेंगे। इसके अलावा अन्य सुविधा भी आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप प्रबंधक HRCR BSO पटना प्रमोद राजन ने कहा कि पोषण के माह में हमने ये MOU साइन किया है। IOCL के सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस दौरान CDPO SDFC आदि लोग हैं वो वहाँ मौजूद भी रहे। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, कलेक्टर के निर्देश पर इन केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस है वो जारी किया गया है। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं, कलेक्टर के निर्देश पर इन केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। जिन आंगनवाड़ी में सुपोषण अभियान का संचालन ठीक ठाक नहीं मिला, इनमें लुंड्रा के डुमरी, माझीपाटा के मेनपाट के पतरे के, मिशनपारा, उदयपुर के टिकपारा और भूकंपरा के आपका है बसवाडार और भूकंपरा के घट्टीपारा, बुल्ले खासरा और पिंडरी खासरा, बकोई मुरादागढ़, साथ ही बकोई और खासा पारा, कुंडवे, बिछलगाटी, पिंडरवी और जहर डापाड़ा, पुंडा, गोरियाडा और हाल्डी और देवपारा में आदि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है ये शामिल है जिनको नोटिस जारी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, निरीक्षण में उजागर हुई आंगनवाड़ी केंद्र पर अनियमितता। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं, कलेक्टर के निर्देशों अनुसार टीम गठित ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। SDM कैलाश चंद्र शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मीनापट्टी का निरीक्षण करने पर अनियमितता मिली। केंद्र पर महिला प्रशिक्षुओं ने कभी निरीक्षण नहीं किया गया है। बेबी मिक्स स्वयं सहायता समूह द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र चैनपुर में मात्र 4 लाभार्थी ही उपलब्ध मिले, जहाँ पोषण संबंधी स्टॉक व वितरण रजिस्टर्ड आधारित नहीं था। राधमकनपुरा में 15 में से 7 बालक उपस्थित, साथ ही पोषण का रिकॉर्ड संधारित नहीं रखा गया। चैनपुरा में मात्र 4 ही बालक उपस्थित मिले, जहां पोषण का रिकॉर्ड है वो नहीं मिला। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र ने जागरूक रैली है वो निकाली है, साथ ही जागरूक यहाँ किया है। अगर नेक्स्ट न्यूज देख ले हैं, आंगनवाड़ी केंद्र की मोबाइल से होगी मॉनिटरिंग। जैसे कि सभी लगभग बहनों को मोबाइल दे दिया गया है, तो यहाँ आपका है जो आपका मुख्य प्रखंड मुख्यालय होगा वहाँ से डायरेक्ट है सभी जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की यानी आपकी 23 सितंबर 2019 की सभी राज्यों की 10 बड़ी खबरें। ऐसी न्यूज पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आंगनवाड़ी संबंधी न्यूज आपको
मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।